अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग क्रेज विद नाहिद के साथ नाहिद आपके साथ है। और ये देखें आज हमने अपने किचन में क्या बनाया है, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और स्मूथ सूजी की बर्फ़ी। हर त्यौहार में भी आप इसे बना सकते हैं, घर में कोई ओकेशन हो, मीठा तो बनता ही है। और इस तरह के मीठे से जो कि इंस्टेंट हो, क्विक हो, ये देखिए मैंने थोड़े से बर्फ़ी के शेप में भी बनाया है, कतले के शेप में भी बनाया है और बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट मीठा है सूजी की बर्फ़ी। आ जाए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सूजी लिया है एक कप के जितना, जितनी मिकदार में सूजी है उसी का हाफ जो है आपको चीनी लेना है। चीनी मेरे पास है यहाँ हाफ कप और घी भी मेरे पास है हाफ कप। पानी एक कप के जितना मैंने लिया है। बाकी ये सारे ड्राई फ्रूट है, ये कुछ बादाम है, ये पिस्ता है और ये नारियल है, ठीक है। और आप रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखें स्टेप वाइज, इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट आप भी हलवा बनाएंगे। आ जाएं फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का एक ट्रे ले लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह ट्रे लें, मेरे पास स्विस रोल ट्रे मौजूद था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। आप इस तरह का घरेलू तशला भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ये वाला स्टेप सबसे पहले करके हमें रखना होगा अपने हलवे की प्रिपरेशन से पहले। इसे ऑयल या घी से आप बहुत अच्छी तरह ग्रीस कर लें। मुझे आइडिया नहीं है कि कितने हिस्से पे हमारे हलवे की मिकदार जो है इसमें कितना हिस्सा ले, लेकिन मैं इसे पूरा ही ग्रीस कर लेती हूँ। अब जितनी ज़रूरत होगी उतने हिस्से में इसे हम यूज़ कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह आप इसे तेल या घी से ग्रीस करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद इस तरह ग्रीस करने के बाद जी आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल छिड़कना है इसके ऊपर इस तरह, ताकि ये जब हम हलवे को बैक साइड करें तो तब भी लुक आ जाए। और थोड़ा सा आपने इसमें बादाम भी छिड़क देना है अच्छी तरीके से। ये जो हमने बादाम कूट के रखा था ये भी हमें छिड़कना है। और थोड़े से पिस्ते भी आप चाहें तो छिड़क दें, बाकी हम ऊपर डाल देंगे। ये वाला जो हम सेकेंड स्टेप में हम एक गहरा पैन लेंगे, किसी भी तरह का आप अपने घर में मौजूद कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। इस पैन में आपको क्या करना है कि अपनी चीनी ऐड करना है और ये जो आपने पानी लिया था आपने वो पानी भी इसमें ऐड कर देना है। यानी कि हम शीरा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले पैन में। मतलब हमें दो पैन लेना है एग्जैक्टली। एक पैन में जो है आपने चीनी और पानी ऐड कर देना है और उबाल आने तक आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना है। मेरे पास यहीं पे बराबर में एक दूसरा पैन भी है, आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ। एक और पैन है हमारे पास, इसे हमने लो टू मीडियम हीट करके हमने जो हमारे पास जो हाफ कप घी मौजूद था उसका हाफ क्वांटिटी जो है मुझे इसमें ऐड करना है। ये मैंने पूरा हाफ क्वांटिटी ऐड किया और ये देखें आपके सामने मैंने हाफ जो है वो बचा लिया है, ठीक है। ये हाफ डाल के मैंने हाफ रोक लिया है। अब इस हाफ क्वांटिटी घी में मैं ये सूजी ऐड कर दूंगी जो मैंने एक कप सूजी लिया था। और आँच आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखना है, लो टू मीडियम। आँच तेज़ करते ही ये ख़राब हो जाएगा। और आपको सूजी को इस तरह भूनना है, ठीक है। और साथ ही बराबर वाले पतीली में जो हमने शीरा जो चढ़ाया था हमने दूसरे पतीली में, हमें उस पर भी कंटिन्यूसली जो है थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाना, हर तरफ से समेटते हुए आप घी को भूनना है आपको। और 10 से 12 मिनट आप इस प्रोसेस को करेंगे भूनने की, आराम आराम से इस तरह समेटते हुए। मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं लेकिन मैं इसे कंटिन्यूसली भून रही हूँ और लो टू मीडियम में मेरा शीरा भी कुक हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि हमें शीरा दो तार या एक तार इस तरह नहीं बनाना, हमें लाइट शीरे को इतना पकाना है चीनी को कि जब मैं यूँ स्पैचुला को ऊपर करके ड्रॉप नीचे की तरफ गिराऊं तो ड्रॉप ज़रा स्लोली गिरे, ज़रा हल्के गिरे। कतरा जब गिराऊं मैं शीरे का तो ज़रा धीरे धीरे आहिस्ता गिरे, बस समझे हमारा शीरा रेडी है। क्योंकि अगर शीरा आपने ज़्यादा थिक कर लिया तो आपका हलवा जो है टुकड़ी वाला वो बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड हो जाएगा, और अगर आपने उसे बहुत पतला कर दिया तो ये नॉर्मल सूजी का हलवा बन जाएगा शीरे वाला। तो बस हमें ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। मैं इसे मज़ीद भून रही हूँ क्योंकि इसमें और भूनना बाकी है, अभी प्रॉपर खुशबू भी आना स्टार्ट नहीं हुआ है। शीरा इस तरह तैयार है कि मैं यहाँ ला के आपको दिखाती हूँ कि मैं जब इसका ड्रॉप गिरा रही हूँ तो ये देखें बहुत स्लो गिर रहा है। अब मुझे इसमें शीरे को ऐड कर देना है और साथ जो रिमेनिंग घी है हमारे पास वो भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है।
ये देखें मैंने शीरे को भी ऐड कर दिया है, तमाम शीरे को जो हमने बनाया था, और मैंने यहाँ पे घी भी ऐड कर दे रही हूँ जो हमने बचा लिया था थोड़ा सा हाफ। अब मुझे इसे मुस्तकिल जो है इसमें हमें स्पैचुला को चलाना है और इस हलवे को हमें कंटिन्यूसली पकाना है, इतना कि ये जो है पैन छोड़ना स्टार्ट कर दे, साइड से इसकी सारी मतलब अलग होने लगे पैन से, तब तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है, ठीक है। मैंने काफ़ी कम मिकदार में बनाया है, जब आप बनाइएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे डबल या तीन गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे मुस्तकिल चलाते रहें और याद रखें कि आपको जो चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, इसे तेज़ नहीं करना वरना ये सारा जल जाएगा, ठीक है। मैं इसे अब अच्छी तरीके से जो है स्पैचुला को इस पर कंटिन्यूसली चलाती रहती हूँ, फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब ये पेंदे से बिल्कुल अलग होना शुरू, ये देखें ये बिल्कुल अलग, मैं ये हटा रही हूँ, आपको मेरे पैन का बॉटम हिस्सा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैन से अलग होना स्टार्ट हो गया है। बस अब इसे हमें अपने ट्रे में शिफ्ट करना है और ये काम हमें जल्दी करना है क्योंकि ये हलवा जल्दी जल्दी ठंडा होते ही जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आ जाएँ, ये हमारा डन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैं जल्दी से जो है इसे मैं अपने ग्रीस किए हुए जो हमारा ट्रे है उसमें शिफ्ट करती हूँ। इसे मैं जल्दी से अपने ट्रे में फैला दूँगी अच्छी तरीके से, सही है। मैं स्पैचुला से भी और फैला देती हूँ जल्दी। ये देखें पूरे ट्रे में तो नहीं आया, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कम क्वांटिटी में थोड़ा सा बनाया है, इसलिए इसको मैं यहाँ से सेट कर दूँगी, सारा स्मूथ कर दूँगी ऊपर से, फिर मैं इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ते और ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ऊपर जो है आपने कुछ पिस्ते ऐड कर देना है और अच्छा कलरफुल लुक आ जाएगा इसके ऊपर। आपको लाइट अचानक थोड़ी सी कम लग रही होगी मेरे रेसिपी की, क्योंकि मैं मेरी जो लाइट है वो अचानक ऑफ हो गई, लाइट नहीं है इस वक्त, तो इसलिए शायद रोशनी थोड़ी सी आपको चेंज लगे मेरे वीडियो की स्टार्टिंग से अब तक, ठीक है। आपको तो पता है फिर ये हमारे कराची में ये इश्यूज़ रहते हैं। एनीवेज मैंने इसे अच्छी तरीके से लगा दिया, अभी मैं इसमें कट नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सी नारियल भी डाल दूँ मैं ऊपर। अभी लाइट सा जब ठंडा हो तो हल्के हल्के से आपने इस पर कट लगाना है इस तरह, क्योंकि बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा जम जाएगा, तो उस पर कट लगाना पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह कट लगा दें। अगर आपको मेरी ये मज़ेदार मीठा पसंद आया हो सूजी की बर्फ़ी, तो प्लीज़ मेरे एक अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला अफज़ाई मिलती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी मिठाइयाँ सीखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।